हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज पे अंटंदी। फ्रेंड, रोज़ की तरह फिर से आज एक वीडियो लेके आया हूँ। इसमें आज हम बात करेंगे एक या दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। इसके अलावा आज मैं किसी कॉइन के रिव्यू के बजाय पाँच टॉप ऐसे करंट क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करेंगे जिनका प्राइस अभी काफ़ी कम है। मैंने किसी ना किसी न्यूज़ में पहले कवर की है या पर्टिकुलर उनके लिए वीडियो बनाई है एक्सक्लूसिवली। जैसे मैंने रिपल के लिए बनाई है, लाइट कॉइन के लिए बनाई है, बिटकॉइन के लिए बनाई है और फ्रेंड्स इथेरियम के लिए भी बनाई है। तो फ्रेंड्स, अभी जो करंट मार्केट सिनारियो है उसके रेट के हिसाब से इनके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मेरा मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, पहले लेते हैं हम न्यूज़। पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स रिपल की ओर से। रिपल के बारे में मैंने पहली दो तीन वीडियो में आपको हर बार कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बताया है। आजकल मैं ऐसा देख रहा हूँ कि रिपल को जानबूझ के पंप किया जा रहा है। इसकी काफ़ी पार्टनरशिप हो, कुछ हो, इसकी कोई भी न्यूज़ हो, उसे काफ़ी हाईलाइट किया जा रहा है। लेकिन ये है भी, इसलिए इसे हाईलाइट किया भी जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसकी है एक यूनिवर्सिटी है जो ब्लॉकचेन को स्टडी करेगी, जो रिसर्च करेगी, उसमें काफ़ी हैविली इन्वेस्ट कर रहा है। तो इसमें जो हेडिंग दिया है स्टडी एट यूनिवर्सिटी ऑफ रिपल, तो जो होल यूनिवर्सिटी है वो रिपल की तो नहीं है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट इसमें इसे इन्वेस्ट किया है। तो फ्रेंड्स, रिपल एक यूनिवर्सिटी से एक तरीके से जुड़ गया है जहाँ पे इसे स्टडी किया जाएगा। तो फ्रेंड, रिपल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और ये फ्यूचर में इसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, सेकेंड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, अभी कुछ कुछ महीनों पहले की बात है कि गूगल ने जितनी क्रिप्टो रिलेटेड जितने भी एडवर्टाइजमेंट थे सभी पर बैन लगा दिया था, आईसीओ या कुछ भी हो। इस बैन से रिलेटेड मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो एक्सपर्ट बताते हैं कि ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। गूगल ऐसा कभी नहीं कर सकता कि लगातार ये बैन रहे। अभी इसके बारे में न्यूज़ ये आ रही है जो फिनेंस इंडस्ट्री है गूगल का जो एक क्रिप्टो बैन है उसे अनफेयर बता रहा है। ये अनफेयर है भी और फ्यूचर में नहीं रहेगा। अभी फ्रेंड्स, मैं बात करना चाहूँगा मार्केट की। मार्केट की अगर हम करंट कंडीशन देखें, BTC डोमिनेंस 38% है और मार्केट अभी बियरिश मोड में है। अगर हम टॉप 100 कॉइन की बात करें, अदर देन फ्यू 5 to 6 करेंसी कोई भी ग्रीन में नहीं है, सब रेड में है। तो अभी आपको न्यू एंट्री नहीं लेनी है, मार्केट नीचे गिर सकती है। लेकिन फिर भी जो टॉप 5 क्रिप्टो करेंसी हैं जिन्हें हम लॉन्ग टर्म के ले सकते हैं, आप उन्हें अगर अभी बाय करते हैं तो डेफिनेटली आपको ह्यूज प्रॉफिट देगा। डेफिनेटली मैंने एक्सक्लूसिवली हर एक के लिए वीडियो बनाई है, फिर भी वन बाय वन हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं जो रिपल के बारे में मैंने आपको अभी एक न्यूज़ दी थी। रिपल के बारे में अभी इसका प्राइस काफ़ी नीचे आ गया है, $0.6 है, सप्लाई थोड़ा ज़्यादा है, 100 बिलियन है। लेकिन फिर भी इसके बारे में काफ़ी पॉजिटिव न्यूज आ चुकी हैं। ऑल टाइम हाई की बात करें तो मोर देन $3 जा चुका है और दिसंबर 2018 तक की बात करें तो आपको अभी के प्राइस से 0.6 है तो आपको 6-7 गुनाएँ डेफिनेटली दे सकता है। अगर हम इसकी मार्केट की बात करें तो ये जितने इम्पोर्टेंट बिनांस या फिर जितने भी इम्पोर्टेंट एक्सचेंजेस है ये सभी पर अवेलेबल है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं और अभी भी इसे बाय करने का सही टाइम है। क्योंकि अगर हम अभी इस क्वार्टर की बात करें तो अभी ऐसी फ्लक्चुएशन रहेगा, बिटकॉइन का प्राइस $7,000 है, $7,400 है, इसके नीचे भी जा सकता है लेकिन ये ऊपर भी जा सकता है। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वार्टर की बात करें तो मार्केट डेफिनेटली डाउन ही रहेगी, उसके बाद सितंबर से मार्केट अप जाएगी और दिसंबर में हाईएस्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, रिपल के बाय करने का सही टाइम है। अगर हम एक्सचेंजेस बात करें तो इसका जो वॉल्यूम है बिटथम और बिट बैंक पर 17% और 16% है और बाकी बिनेंस पे 6 और 5% है BTC एंड USD ट्रेड में। तो फ्रेंड्स, मैं रिकमेंड करता हूँ आप इसे बाय कर सकते हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स लेते हैं करेंसी, यह है लाइट कॉइन। लाइट कॉइन के बारे में मैंने आपको बताया था, जो इसके फाउंडर हैं चार लिली उन्होंने इसको बताया। अभी मैं लास्ट वीडियो में इसकी न्यूज़ दी थी कि काफ़ी फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रो करेगा। इसका एक रीज़न ये भी है, इसकी सप्लाई बहुत कम है, 84 मिलियन ओनली। करंट प्राइस इसका है $118
ऑल टाइम हाई की बात करें तो ये मोर देन $320 जा चुका है। तो अगर ये अपने ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस करेगा तो भी हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा, लेकिन जैसे ही BTC का प्राइस इस साल काफ़ी अप जाएगा और जैसे ही वहाँ पर स्टेबल होगा इसका प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। तो फ्रेंड्स आप इसे अभी बाय करने का सही टाइम है। फ्रेंड अभी बात करते हैं हम तीसरी करेंसी की। तीसरी करेंसी है बिटकॉइन कैश। बिटकॉइन कैश जो है हार्ड फोर्क है बिटकॉइन का ही। तो फ्रेंड्स एज सिमिलर जो उसकी सप्लाई है इसकी भी सप्लाई सेम ही है 21 मिलियन जितनी सप्लाई बिटकॉइन की है। अभी इसकी वैल्यू करंट वैल्यू काफ़ी कम है अपने इसके ऑल टाइम हाई से $1,091 ओनली। ऑल टाइम हाई की बात करें तो ये मोर देन 4,000 टच कर चुका है, यानी अभी अपने टाइम से अगर ये अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता है तो 4 टाइम अभी भी आपको देगा। 4 टाइम देने के बाद ये उसके ऊपर आपको 2-3 गुना दे सकता है, यानी आपको ये कि करंट प्राइस से इस साल के अंत तक आपको 6-7 गुना तक ये दे सकता है। और बिटकॉइन के बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करेंसी है। अभी हम बात करते हैं इथेरियम की। इथेरियम की सप्लाई 84 इसकी सप्लाई सर्कुलेटिंग सप्लाई 99 मिलियन है और ये बिटकॉइन के बाद सबसे इम्पोर्टेंट करेंसी है। ये फ्यूचर में बिटकॉइन को अगर कोई बीट कर सकता है तो वो सिर्फ इथेरियम है। इथेरियम अभी $587 का है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो ये अराउंड $1,300 ये जा चुका है, यानी अपने करंट प्राइस के करीब 2.5-3 गुना है ये। तो ये ऑल टाइम हाई जाएगा तो आपको 3 गुना तो दिसंबर में देगा ही देगा, प्लस उसके ऊपर ये 5-6 गुना तक दे सकता है। तो फ्रेंड्स आप इसे बाय कर सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम है इसे बाय करने के लिए। मैंने इसके लिए एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। अभी बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मदर करेंसी ऑफ क्रिप्टो करेंसी दैट एंड दिस इज बिटकॉइन। बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई अराउंड $20,000 को 19 point something को टच कर चुका है। अभी स्टेबल है $7,488 पे। मैंने इसके लिए भी एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें बताया था किस तरह ये कहां से कहां तक आ गया है और कहां तक जा सकता है, और ये 2030 तक $1 million तक का हो सकता है। मैंने इससे पहले एक न्यूज़ कवर की थी, उसमें कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि आप अपने सभी आल्ट को सेल कर दीजिए, बिटकॉइन बाय कीजिए, फ्यूचर इसी का है क्योंकि इसी के साथ सारी करेंसी चलती हैं, सब कुछ सबसे ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट करेंसी यही है। अगर ये 20,000 के ऊपर जा चुका है एक बार, इस साल के अंत तक ये $25,000 तक जाने की इसकी पॉसिबिलिटी है, यानी अपनी अभी करंट प्राइस से आपको अराउंड 4 टाइम डेफिनेटली देगा। तो फ्रेंड्स आज की थे 5 इम्पोर्टेंट करेंसी। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।